नियुक्ति पत्रक सिर्फ और सिर्फ वर्ग 3 ओबीसी अभ्यर्थियों के रोक लिए गए। अब वो क्यों रोके हैं, किस लिए रोके हैं, उसका विभाग द्वारा कोई भी कारण भी नहीं दिया गया। हमारी तैयारी थी, हमको ज्वाइनिंग लेने के लिए हमें स्कूल जाना था और उसी डेट पे हमको धरना प्रदर्शन करने आना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा आयुक्त का हमारे साथ धोखा है। हम लोग को अचानक एकदम शौक लगा इस चीज का। हमारे घर से हमारी माता पिता सबकी आशाएं जुड़ गई थी। कब तक मैम आएंगी नहीं, हम यहीं पर बैठे रहेंगे, आज नहीं कल नहीं, जितने दिन तक मैम नहीं आएंगी हम नियुक्ति पत्र लेकर ही जाएंगे। नमस्कार, इस समय मौजूद हैं राजधानी भोपाल के DPI ऑफिस के सामने और यहाँ OBC वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब ये धरना प्रदर्शन क्या, क्यों और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, सीधे अभ्यर्थियों से जानेंगे। सबसे पहले मैम आपसे बात करेंगे, क्या दिक्कत परेशानी है? ये हमारा OBC वर्ग 3 सेकेंड काउंसलिंग के नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं, बल्कि हमें चॉइस फिलिंग सारी करा ली गई थी। डिस्ट्रिक्ट की चॉइस फिलिंग करवा ली गई, उसके बाद स्कूल की भी चॉइस फिलिंग करवा ली गई, लेकिन हमारे नियुक्ति पत्र बिना किसी आदेश के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के जारी नहीं किए गए। हम लोगों को कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, ना हम लोगों के पास कोई लिखित में जिसको बोलते हैं, ना कोई भी जानकारी नहीं है हम लोग के पास इस प्रकार की। और हम लोग को अचानक एकदम शौक लगा इस चीज़ का। हमारी तैयारी थी, हमको ज्वाइनिंग लेने के लिए हमें स्कूल जाना था और उसी डेट पे हमको धरना प्रदर्शन करने आना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा आयुक्त का हमारे साथ धोखा है, तो हम यही चाहते हैं कि OBC के 882 छात्रों की वो मतलब कि नियुक्ति पत्र जारी करे। बस यही हमारी मांगे हैं, जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति पत्र जारी हो बस। क्योंकि अभी ये 11 सालों के बाद हम लोग की परीक्षा हुई है, इसलिए हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। हम लोगों को जिला अलॉट हो चुका है और स्कूल की हम लोगों ने चॉइस फिलिंग कर दी है, उसके बाद हम लोगों का नियुक्ति पत्र आना ही शेष था और वो हम लोगों को नहीं दिया गया। नियुक्ति पत्रक सिर्फ और सिर्फ वर्ग 3 OBC अभ्यर्थियों के रोक लिए गए। अब वो क्यों रोके हैं, किस लिए रोके हैं, उसका विभाग द्वारा कोई भी कारण भी नहीं दिया गया, इसलिए हम मैम से वही कारण पूछने आए हैं कि हमारे नियुक्ति पत्रक क्यों रोके गए। इतनी जनसंख्या को देखते हुए तो मैम को बाहर आना ही पड़ेगा। जब तक मैम आएंगी नहीं हम यहीं पर बैठे रहेंगे, आज नहीं कल नहीं, जितने दिन तक मैम नहीं आएंगी हम नियुक्ति पत्र लेकर ही जाएंगे। और सबसे पहले तो मैम आएंगी तो उनसे कारण पूछेंगी किस वजह से हमारा ज्वाइनिंग लेटर रोका गया है और उसके बाद हमारा ज्वाइनिंग लेटर जारी करे। इसलिए बस यही प्रयास करने के लिए सारे 882 छात्र यहाँ पर आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। अब जब सेकंड काउंसलिंग में जिला सूची तैयार हो गई थी तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि OBC के उन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोक दिए गए, तो ये हमारे साथ नाइंसाफी है। हमें उसका न्याय चाहिए, हमें नियुक्ति पत्र दिलवाइए, हमें नियुक्ति पत्र चाहिए। मैडम द्वारा आपकी बातें सुनी जाएंगी? उनके मतलब जो उनका रवैया है वो हमें सीरियस नहीं ले रही हैं। ओनली उनने आवेदन लिया था कुछ लोगों से और बोल दिया था ये हमारे हाथ में नहीं है, आप देख लो, हमें जैसे ऊपर से आदेश मिले थे उसके तहत हमने भर्ती प्रक्रिया की है। मैम जब तक आएंगी हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमें नियुक्ति पत्रक नहीं मिल जाते, हम यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे। जो आज OBC वर्ग का व्यक्ति है वो उसकी कट ऑफ जो है जर्नल वाले से ज़्यादा जा रही है, आप सोचिए कितना। मुख्यमंत्री OBC वर्ग का होते हुए भी अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो हमें इस प्रदेश में रहना नहीं चाहिए। जैसी पहली भर्ती चल रही थी पूरी प्रक्रिया वही हुई, लास्ट दिन सबका सामान लग गया, सब लोग फाइल बना के इंतजार हो गए, उस दिन इनने केवल नाम नहीं दिए और उसका रीजन हम आज तक पूछ रहे हैं, ना तो ऑफिशियल वेबसाइट पर डला है, ना इन्होंने बताया है, ना तो ये भर्ती उस तरफ से कर रहे, ना ये इस तरफ से, ये केवल मनमाने तरफ से कर रहे हैं। हमारे घर से हमारी माता पिता सबकी आशाएं जुड़ गई थी, आपको लग रहा था कि हमें इनको अगर होल्ड करना है तो ये उनको नोटिस में पहले मेंशन करना था कि हम इतने पे जारी करेंगे, इतने पे हम होल्ड रखेंगे। उनने कुछ नहीं किया, ऐसा सीधा एकदम एक समझ लो गाज सी 822 व्यक्तियों के ऊपर और ओनली OBC के पे। अब इसको हम क्या न्याय समझें, क्या समझें, हमारी समझ से बाहर है। या तो आयुक्त मैडम या कोई पदाधिकारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस से या लिखित में हम लोगों को उसका स्पष्टीकरण दे कि कैसे क्या है। हम प्रार्थना करते हैं, बंधन अभिनंदन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मानते हैं।